नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं विवेक पाटिल। झीरम घाटी कांड मामले में जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इस फैसले का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वागत किया है और क्या कुछ उन्होंने कहा है ये हम आपको बता देते हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे पहले तो इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि न्याय का दरवाजा खुलने जैसा है ये फैसला, और आगे कहा कि अब छत्तीसगढ़ पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। यानी कि राज्य सरकार जैसा चाह रही थी वैसा उसे पूरी तरह से मिल गया है, भले ही चुनाव चल रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फेवर में जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार यही चाह रही थी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिया है। तो कहीं ना कहीं इस फैसले को आप राज्य के पक्ष में भी मान सकते हैं। तो बहरहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्या ट्वीट है ये हम आपको बता देते हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के लिए न्याय का दरवाज़ा खोलने जैसा इसको करार दिया है, और उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच करेगी, किसने किसके साथ मिलकर क्या षड्यंत्र रचा था सब साफ हो जाएगा, और झीरम के शहीदों को एक बार फिर से श्रद्धांजलि। तो जैसा कि आपको पता है कि NIA ने जो अपील थी, NIA की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर खारिज कर दिया, और इस फैसले के कुछ समय बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये जो ट्वीट सामने आया इसकी लाइनें हमने अभी आपको पढ़कर सुनाई। ये बहुत ही बड़ा हमला था जिसमें कांग्रेस के राज्य का नेतृत्व करने वाले तमाम नेताओं को कांग्रेस ने खोया था। बहरहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और साथ ही साथ अपने ट्वीट में इस बात की जानकारी भी दी है कि अब छत्तीसगढ़ पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। सियासी गलियारों में बहुत ज़्यादा इसको लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार के पक्ष में एक तरह से इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनाया है और NIA के हस्तक्षेप को अब बंद कर दिया। यानी कि NIA का अब हस्तक्षेप नहीं होगा, अब छत्तीसगढ़ पुलिस इस पूरे मामले की जाँच स्वतंत्र रूप से कर सकेगी।